Now, next bill, the Indian Institute of Information Technology Bill 2014. Srimati Smriti Subin Irani to move. Sir, I beg to move that the bill to declare certain institutions of information technology to be institutions of national importance with a view to develop new knowledge in information technology and to provide manpower of global standards for the information technology industry and to provide for certain other matters connected with such institutions or incidental thereto as passed by Lok Sabha be taken into consideration. मान्यवर आपके माध्यम से सदन के सामने मैं ये निवेदन रखना चाहूंगी कि IIIT ग्वालियर इलाहाबाद जबलपुर और कांचीपुरम के छात्रों को इस सदन के माध्यम से विद्या का आशीर्वाद प्राप्त हो ये तो पूरी दुनिया ने माना है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हिंदुस्तानियों ने एक अहम भूमिका विश्व भर में अदा की है लेकिन ये भी एक सत्य है कि हार्डवेयर प्रोडक्शन आज भी हमारे देश के लिए एक चुनौती बनी है सो आपके माध्यम से इस सदन में ये कहते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के आह्वान के बाद कई भारतीय ऐसे हैं जो भारत लौट रहे हैं ताकि हार्डवेयर इंडस्ट्री में वो मैन्युफैक्चरिंग अपनी शुरू कर सकें इसलिए आज जब मैं इस बिल को आपके माध्यम से सदन में प्रस्तुत करती हूँ तब इस चिंता को भी जोड़ती हूँ कि डिलॉयट की एक रिपोर्ट में ये पाया गया है कि साल 2020 में ये संभावना उत्पन्न होती है कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट बिल भारत के ऑयल इंपोर्ट बिल से भी ज़्यादा होगा इसलिए आज भारत को दरकार है उच्च शिक्षा में कुछ ऐसे संस्थानों की जिसके माध्यम से हमारे छात्रों के बीच नई नॉलेज का संचार हो हमारी रिसर्च कैपेसिटी और भी सुदृढ़ हो और हम अपनी फैकल्टी को भी तैयार कर सके ताकि ग्लोबल स्टैंडर्ड की मैनपावर हमारे देश में राष्ट्र के नवनिर्माण में अपना योगदान दे सके मान्यवर आपके माध्यम से मैं सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से ये निवेदन करती हूँ कि आज अपने मार्गदर्शन हेतु अपना योगदान दें ताकि ये बिल आपकी उपस्थिति में पास हो सके ओके धन्यवाद